हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखिए इस रिक्रूटमेंट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में रिक्रूटमेंट आई है उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए जाके एन की और डी में रिक्रूटमेंट आई है अच्छी सैलरी है इसलिए मैं आपको जोर डाल के कह रहा हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हो एक बार वीडियो देख लीजिए शायद आपके काम की हो तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर पाओगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एन और डी से जो रिक्रूटमेंट आई है उसका लिंक आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ज्वाइन कर लेना है जहाँ से सारे लिंक वगैरह और पी प्रोवाइड की जाती है तो दो बातें हैं सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक और बात टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है आपको टेलीग्राम चैनल को क्या करना है ज्वाइन कर लेना है एक और बात मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि वो वीडियो जाके देख लीजिए शायद आपके काम की वो वीडियो हो आगे बढ़ेंगे और सैनिक स्कूल से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके ऊपर फोकस्ड रहेगा हमारा लास्ट डेट और कैसे अप्लाई कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ और आपको पता ही होगा टेलीग्राम चैनल पे मैं डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ और पी भी प्रोवाइड करा देता हूँ तो टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पे आते हो हु। होम पेज पर पे आपको सिंपली अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर देखिए यहाँ पर दिख जाएगा एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट रीड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे याद रखिएगा आई रिपीट जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नई विंडो आपके लिए खुलेगी कैरियर्स का और यहाँ से आप देख पाओगे देखिए यहाँ पे जो यहाँ से आप देख सकते हो स्टेटस क्या है एक्टिव है एक्टिव है यानी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तो चलिए मैं इस पी को डाउनलोड करता हूँ और आपके सामने पढ़ देता हूँ पी में क्या क्या बातें लिखी गई है और मैंने इसे डाउनलोड में लगाया और ये पी डाउनलोड हो चुकी है अब इसे पढ़ते हैं वन बाय वन देखिए सबसे पहली बात है ना कि रिक्रूटमेंट आई है टीजीटी सोशल साइंस की और ये रिजर्व है ओबीसी के लिए अगर आप ओबीसी हो तो आपके लिए रिजर्व है वन ही पोस्ट है यहाँ पे और जो सैलरी है वो देख लो आप चौवालीस हजार नौ सौ से लेकर के एक लाख बयालीस हज़ार चार सौ रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी एज आपका इक्कीस से पैंतीस के बीच में होना चाहिए डेफिनेटली दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी दिस इज़ अ परमानेंट वैकेंसी तो ये परमानेंट वैकेंसी है आगे देखिए क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट्स शुड स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री होना चाहिए और 50 परसेंट मार्क्स होना चाहिए अगर हिस्ट्री के साथ साथ आपका क्या जोग्रफी इकोनॉमिक्स या पोलिटिकल साइंस में दो सब्जेक्ट आपका एटलीस्ट होना चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हो उन चीज़ों को जोग्रफ़ी अगर आपने पढ़ी है तो आपका पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स होना चाहिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने बिल्कुल आसान भाषा में समझा दे रखा है तो और एक और बाद आपका सी टैट या कोई भी टैट आपका सेंट्रल हो या स्टेट लेवल पे हो एक टैट आपका पास होना जरूरी है डिजायरेबल क्या है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका और हायर क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आपने एमएससी वगैरह कर रखी है या एमए कर रखा है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा अगर आपने एनसीसी या स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलम करी है तो उनको वेटेज मिलेगा चलिए और जो ज्योग्राफी वाले हैं और उन, अगर उनका मेन सब्जेक्ट है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी तो देखिए आप यहां अप्लाई कर सकते हो आगे बढ़ेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है वो भी रेगुलर वैकेंसी है और यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% परसेंट मार्क्स एटलिस्ट होना चाहिए और आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री एनी टू सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए याद रखिएगा सेवंथ पे स्केल है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए सैलरी बिल्कुल एक लाख बयालीस हजार तक बयालीस हज़ार चार सौ रुपये तक आपको मिल सकती है एज वही इक्कीस से पैंतीस के बीच में होगा एक जुलाई दो हज़ार इक्कीस तक आपका पैंतीस से कम होना चाहिए एज लोअर डिवीजन क्लर्क रेगुलर वैकेंसी है और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है टाइपिंग आपकी फोर्टी वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको टाइपिंग करना होगा यहाँ पे। एम एस एक्सल पावर पॉइंट और एम एस वर्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन विंडोज़ वगैरह आपको चलाना आना चाहिए सैलरी उन्नीस हज़ार 900 से लेकर तिरसठ हज़ार दो सौ यानी कि ट्वेंटी थाउजेंड अप्रॉक्स टू बी प्रिसाइज नाइन्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू सिक्सटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ होना चाहिए और सेल यहाँ से आप एज देख लो पचास साल तक एज है अठारह से पचास के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एंड जनरल एम्प्लॉय एम टी एस रेगुलर के लिए जो रिक्रूटमेंट है सिक्स वैकेंसीज है यहाँ पे और मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और आईटीआई या फिर कोई भी इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज होना चाहिए एक्सपीरियंस इन एनी फॉलोइंग अगर आपने यहाँ पे हेयर कटिंग वगैरह और भी बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर कटिंग अगर आपने हॉर्स ग्रूमिंग या किचन इक्विपमेंट वगैरह में देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये इन्हें स्टाफ चाहिए होगा तो अगर आप ये सब काम करते हो देन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और एक और बात यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट है कुकिंग अगर आपको आता है या फिर आप जो घर वगैरह बनता है वो अगर आपको आता है तो ये आपको यहाँ पे हायर कर लेंगे सफाई वाला वेटर्स मैनी मोर थिंग्स हेयर और सलोन के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ हेयर कटिंग यहाँ पे जी हाँ हेयर कटिंग के लिए भी ये हायर करते हैं सैलरी होगी इक्कीस हजार छः सौ रुपए और जनरल एम्प्लॉय के लिए है तो दोनों पोस्ट को आप देख सकते हो और एज की कोई दिक्कत है ही नहीं पचास साल तक एज है यहाँ पे आगे देखिए पे वगैरह जो है बिल्कुल आपको दिया जाएगा रेंट फ्री एकोमेडेशन है बिल्कुल रहना फ्री है याद रखिएगा और एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ से देख लीजिए ये पी पे आपको क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और पी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसका एग्जाम फी है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू और सात अगस्त इसकी लास्ट डेट है याद रखिएगा सात अगस्त तक आपको अप्लाई कर लेना है और एक और बात जो किसी जॉब में हैं पहले से उन्हें एन लेने की ज़रूरत नहीं है एन का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो ये इंफॉर्मेशन थी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको फ्रूटफुल लगे तो देखिए रेगुलर वैकेंसी है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और ये रिक्रूटमेंट आई है सैनिक स्कूल कालेकरी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से देखिए आप अब ये मत बोलने लगना आंध्र प्रदेश में नहीं जॉब कर पाऊँगा वगैरह वगैरह पहले जॉब ले लो तब जॉब छोड़ने की बात करना एक्चुअली चीटी जो है या फिर कोई कमज़ोर जो है बड़े को तभी माफ़ कर सकता है जब वो ताकतवर हो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप किसी को माफ़ तभी कर सकते हो जब आप ताकतवर हो मतलब आपके अंदर ताकत होनी चाहिए तभी आप किसी को माफ कर सकते हो तो फिलहाल के लिए इतना ही यू गाइज आर अमेजिंग कीप ट्रेडिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे